अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ आ रही है? स्क्रीन शेयर है आपके साथ? ठीक है सर। आप चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे थे, उसको कल हमने स्किप किया था। इसमें हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, तो परसों जहां से हमने छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 90 पे है आपके बुक पे। हमने एयर प्रेशर पढ़ा था और विंड्स एंड एयर प्रेशर क्या होता है, इससे पहला वाला टॉपिक हो गया था। तो आज हमने एयर प्रेशर पढ़ना है और फिर उसके जो उसके बाद प्रेशर बेल्ट्स आते हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, प्लेनेटरी विंड्स क्या हैं, प्रेशर बेल्ट्स जो हम कैसे बनते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब देखेंगे हम। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे पास एयर प्रेशर क्या होता है, हम इसको पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमने इसी को लेके आगे चलना। तो एयर प्रेशर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर ऑन आवर सरफेस यानी जमीन की सतह पर हवा जो दबाव डालती है उसको हम एयर प्रेशर या फिर हवा का दबाव कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड अगर हम उसकी बात करें कि स्टैंडर्ड सी प्रेशर हमारे पास कितना होता है, तो वो 1013.2 मिली बार होता है। बार हमारे पास यूनिट है प्रेशर को मेजर करने के लिए। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसके हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। बैरोमीटर की आगे से दो टाइप्स हमने देखी थी, एक फार्टन बैरोमीटर होता है और दूसरा एनरॉइड बैरोमीटर है। फार्टन बैरोमीटर जो है वो थर्मामीटर की तरह होता है, एक शीशे की नली होती है जिसमें जो मर्करी फिलअप होता है, तो उसको यूज किया जाता है एयर प्रेशर को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया में एयर प्रेशर जो है वो कितना है। जो दूसरा जो हमारे पास आता है एनरॉइड बैरोमीटर, ये शीशे की नली नहीं होती है बल्कि एक बॉक्स बना होता है, एक डिब्बी होती है, उसमें ये इस तरह से ये जैसे एक डायल होता है घड़ी का, इस तरह से ये सुइयां उसमें लगी होती है, बंद होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके भी जा सकते हैं। तो ये भी जब वो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हमने नेक्स्ट देखने हैं जी आज एयर प्रेशर बेल्ट्स जो है, यानी कुरा अर्ज पर जो हवा के दबाव के खित्ते हैं या जो हल्के हैं जोन है हमारे पास वो कौन कौन से हैं और किन रीजन्स में बनती है। अब जो कि हवा जो है, हवा का जो प्रेशर है वो सारे ग्लोब पे या सारी जमीन पे एक जैसा नहीं होता, कहीं पे हवा का दबाव कम होगा, किसी इलाके में हवा का दबाव जो है वो ज्यादा होता है, उसकी डिफरेंट रीजन हो सकती हैं। जैसे हमने एक मेन रीजन इसकी टेम्परेचर देखा था कि अगर किसी इलाके में टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे जो है वो एयर प्रेशर कम होगा, इसी तरह अगर प्रेशर टेम्परेचर कम है एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है। मतलब कि पूरा जो हमारा ग्लोब है, सारा जो सारी जो अर्थ है वहां पे एयर प्रेशर जो है वो सेम नहीं होता, ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट रीजन्स में इसमें चेंजिंग्स आती रहती है। तो इन चेंजिंग्स के लिहाज से हम फिर जो हमारे पास प्रेशर बेल्ट्स बन जाते हैं, डिफरेंट जोन बनते हैं ग्लोब पे, उनको हम प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं। इनको आगे से फोर टाइप्स होती है, इसकी फोर टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, चार जोन बनते हैं ऐसे। सबसे पहला हमारे पास जो जोन आता है इसे हम इक्विटोरियल बेल्ट ऑफ लो प्रेशर कहते हैं, यानी कम दबाव का इस्तवाई हिता, इसको हम इक्वेटर को भी कहते हैं, हम उर्दू में हते इस्तवा कहते हैं, तो इस लिहाज से हम इसको कहेंगे कम दबाव का इस्तवाई हिता। उसके बाद दूसरा जो जोन है उसको हम कहते हैं जी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यानी ज्यादा दबाव के नीम मदारैनी हिते भी कहते हैं, यानी ये जो ऐसे हिते हैं जो ट्रॉपिक से डाउनवर्ड होते हैं, यानी ट्रॉपिक बिल्कुल दो, हमने कल जब हमने डिवीजन पढ़ी थी लैटिट्यूड की उसमें हमने देखा था कि दो हमारे पास ट्रॉपिक्स आ रहे थे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 साउथ पे मौजूद थे ट्रॉपिक्स। अगर एग्जैक्ट वहां पे हो रहा होगा कोई फिनोमेना तो वो ट्रॉपिकल कहलाएगा। अब सब ट्रॉपिकल इसको हम इसी वजह से कह रहे हैं कि ये सब ट्रॉपिकल नहीं होते बल्कि ये ट्रॉपिकल नहीं होते हैं बल्कि उनसे इनकी डिग्री जो है वो लो होती है। जैसे 23.5 पे ट्रॉपिकल बनता है तो ये उससे कम डिग्रीज में होते हैं, इसलिए इनको सब ट्रॉपिकल कहा जाता है।
उसके बाद जो थर्ड टाइप है उसे हम कहते हैं जी सब पोलर कैप्स ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, यानी कम दबाव के नीम कुतबी हिते। अब कुतब या पोल्स हम कहते हैं जी, दो दो हमारे पास जो पोल्स आते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उस लिहाज से उनको फिर हम पोलर रीजन कहते हैं या कुतबी हिते कहते हैं। तो अब सब पोलर ऐसे रीजन हैं जो कि पोल्स पे नहीं है, उनसे कम डिग्री पे मौजूद हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएंगे जी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यानी ऐसे हमारे पास जोन आएंगे जो कि पोल्स के पास मौजूद है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे मौजूद है। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें, जो इसमें इनकी डिवीजन दी गई है, सबसे जो सेंटर वाली लाइन है ग्लोब में, ये वाली जो रेडिश लाइन है, ये इक्वेटर को शो कर रही है। जो रेड रेड कलर की लाइन है, यहाँ पे इक्वेटर है, और इसके पे यहाँ पे जो दो हमारे पास जो है वो अल्फाबेट यूज होंगे, एच जो होगा वो हाई प्रेशर के लिए यूज होगा और एल जो है वो लो प्रेशर के लिए यूज होगा। तो आप अगर आप इक्वेटर पे देखें, ये वाली जो लाइन है, तो यहाँ पे एल सब पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आता है, यहाँ पे इक्वेटर है उसकी वजह से हम उसको इक्वेटोरियल कहते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम होता है, इसलिए इसको लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। और ये हमने देखा था शुरू में कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहां से प्रेशर जो है वो लो, ऐसा इलाका जहाँ पे प्रेशर लो है उस साइड पे वो मूव करता है प्रेशर, यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, और उस एरिया को जगह को ओवरकम करने के लिए, प्रेशर को वहां पे फिलअप करने के लिए, फिर हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। डायग्राम को हम एंड पे देखते हैं पहले। अब जैसे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जैसे हमने इसको पहले भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि जो सूरज की शुआएं होती हैं वो इक्वेटर पे डायरेक्टली रेस स्ट्राइक करती हैं, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और अगर किसी एरिया में, किसी रीजन में, जोन में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां पे जो प्रेशर है वो कम होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो इस लिहाज से इक्वेटर का जो इलाका होता है वहां पे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हवा जो है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होके ऊपर को उठना, ऊपर तक की तरफ उठना शुरू कर देती है, यानी हाइट की तरफ, तो जिसकी वजह से वहां पे हवा का दबाव जो है वो कम हो जाता है। और ये वैसे भी जो हमारे पास इक्वेटोरियल बेल्ट आता है, ये गर्म तरीन इलाका है पूरे हमारे ग्लोब का, बिकॉज ऑफ सन रेज इंसुलेशन। अब ये जो इसका अगर, जब हवा जो है वो इस इलाके में गर्म होके ऊपर को उठती है, तो ये वर्टिकली फिर मूव करेगी, फिर ये हॉरिजेंटली मूव नहीं करती है, वर्टिकली मूव करेगी, यानी सूरज की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। और हमने देखा था कि ट्रोपोस्फियर में, यानी जो पहला हमारे पास पार्ट आता है एटमॉस्फेयर का, पहला जो पोर्शन है ट्रोपोस्फियर, वहां पे जाके उस रीजन में जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता रहता है, इवन के हमारे पास फिर ट्रोपोपॉज आ जाता है, ट्रोपोपॉज के बाद जाके दोबारा प्रेशर इंक्रीज करता है। तो अब ट्रोपोपॉज में जाके फिर जो हमारे पास एयर जो नीचे से मूव करके गई थी, ट्रोपोपॉज में जाके वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, वहां से एक हिस्सा जो है वो शिमाल की तरफ मूव कर जाएगा, एक जुनूब की तरफ मूव कर जाएगा। इनकी जो मूवमेंट है वो दोनों शिमाल और जुनूब की तरफ मूव करेंगे, फिर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे जाके दोबारा ये अर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, और यहाँ पे इसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट का। इस रीजन को हम डोल ड्राम्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इसको सुकून का हल्का भी कहते हैं, कि ज्यादा जो जो है वहां पे चेंजिंग्स नहीं आती है, एक साइकिल बन जाता है और वही बार बार चलता रहता है। यहाँ पे अगर आप इसको देखें, तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये जो पर्पल लाइंस हैं दोनों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके दरमियान में ये जो रीजन आता है हमारे पास इक्वेटर के अराउंड, ये सारा जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनता है। अब इसकी बाउंड्री जो है वो कुछ स्पेसिफाई नहीं होती है कि 0 डिग्री से 30 तक ही जाएगा या 0 से 25 तक जाएगा, ये 0 डिग्री से 30 डिग्री तक
इनके दरमियान कहीं पे भी लाया कर सकता है। इसकी जो मिनिमम मतलब कम से कम भी अगर हो तो 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ यहाँ तक मस्ट होता है, लेकिन इसकी जो कह लें कि फैलने की जो होती है जरूरत ये वेरी करती रहती है, ये 20 डिग्री तक नॉर्थ तक भी जा सकता है, 30 डिग्री साउथ तक भी जा सकता है, मैक्सिमम 30 डिग्री नॉर्थ साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, ये इसकी एक कह लें कि बाउंड्री होती है, इसकी हद होती है, इससे आगे नहीं होता। तो ये वाला जो इलाका हमारे पास बनता है इसको हम लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। अब ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं जो कि इक्वेटर की तरफ बेंड है सारे, ये साउथ सदर्न साइड से भी है, सदर्न हेमिस्फीयर से भी और नॉर्दर्न से भी है, ये वाले जो ग्रीन कलर में आपको एरो नजर आ रहे हैं ये सारे लो प्रेशर बेल्ट की तरफ है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है और ये वाला जो रीजन है सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे प्रेशर हाई है एयर का, तो ये हाई प्रेशर जो है वो लो प्रेशर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन होती है वो ट्रॉपिक से इक्वेटर की तरफ होती है, यानी हमारे पास जो ट्रॉपिक होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिकल रीजन से विंड जो है वो मूव करती है इक्वेटर की तरफ या फिर इस्तवाई इलाकों की तरफ, क्योंकि इस्तवाई इलाकों में प्रेशर जो है वो लो है और ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पे हाई प्रेशर है, तो इसलिए हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। देन उसके बाद आती है जी इसकी जो दूसरी टाइप है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है ये दोनों साइड्स पे मौजूद होंगे इक्वेटर के, नॉर्थ साइड पे भी हैं और साउथ साइड पे भी दोनों साइड्स पे मौजूद होंगे, और ये ऐसे रीजन हैं जहाँ पे जो प्रेशर है एयर का वो ज्यादा होगा। और जो साइकिल हमने देखा था कि जब इक्वेटर से हवाएं जो है वो गर्म होके वर्टिकली ऊपर उठी थी और फिर वो ट्रोपोपॉज से डिफ्लेक्ट होके नॉर्थ और साउथ में आई थी, तो वो जब दोबारा नॉर्थ और साउथ में की तरफ मूव करती है तो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करती है अर्थ की तरफ, और दोबारा आके ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है इसको ज्वाइन करते हैं, और यहाँ पे प्रेशर जो है उसको हाई करने की मेन रीजन बनती है ये वाली हवाएं जो इक्वेटर से चली थी गर्म होके। जहां जो लाइन लिखी है इसको हम ऐसे ही यही इस एक्सप्लेनेशन बनेगी कि वार्मर एयर विच फ्लोज फ्रॉम द इक्वेटर स्टार्ट टू फ्लो टुवर्ड्स पोल, यानी कि जो गर्म हवा या टेम्परेचर की वजह से हवा गर्म होके इक्वेटर से ऊपर की तरफ उठी थी वो दोबारा जो है वो पोल्स की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देती है अपने टेम्परेचर को कम करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक जोन बन जाता है या एक हवाई दबाव का हल्का बनता है जिसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। और इसकी जो लोकेशन होती है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ दोनों पे होती है। इनको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है। यहाँ पे हम इनको डायग्राम में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों में यानी यहाँ से अगर आप 30 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 23 एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 23 एंड हाफ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नॉर्थ एंड साउथ में, तो इनसे 23 एंड हाफ से 30 डिग्री तक मैक्सिमम इसकी हाइट हो सकती है, और अगर हम डाउनवर्ड इक्वेटर की तरफ मूव करें तो फिर ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये वाले जो इक्वेटोरियल बेल्ट है वो कहाँ तक एक्सपेंड करता है, तो इसकी जो मैक्सिमम बाउंड्री है वो 30 डिग्री से 35 हो सकती है और नीचे 25 तक हो सकती है, 25 से 35 कह सकते हैं आपके नॉर्थ और 25 से 35 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये वाला जो रीजन हमारे पास एक जोन बनता है ये हाई प्रेशर जोन बनेगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, हमने पहले भी देखा है कि यहाँ से जो हाई प्रेशर बेल्ट था वो इक्वेटर की तरफ लो प्रेशर है तो वहां पे विंड्स मूव करेंगी, और दूसरी साइड पे भी हमारे पास लो प्रेशर बेल्ट आता है जो कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, तो विंड्स उस साइड पे भी मूव करती है। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो कैसे बन रहा है। तो अब ये वाला जो रीजन होगा हमारे पास ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, इसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। देन उसके बाद जी हमारे पास आता है जी सब पोलर
कैप्स ऑफ लो प्रेशर बेल्ट यानी कम दबाव के नीम कुतबी खत्ते, यहाँ पे जो है वो हवाई दबाव कम होगा और ये पोल से दूर होंगे, तो इसलिए हम इनको नीम कुतबी कहते हैं, यानी ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं होते हैं ये बल्कि पोल्स के करीब होते हैं, इसलिए इनको सब पोलर कहा जाता है। अब इसमें हमारे पास दो लोकेशन बनती है, एक 60 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ। यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो हो जाता है बिकॉज यहाँ पे जो जमीन की महवरी गर्दश होती है, अर्थ की जो रोटेशन है, उसकी वजह से इन दो लोकेशंस पे 60 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो लो प्रेशर बेल्ट जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे चूंकि एयर प्रेशर जो है वो लो हो गया है, तो इससे पहले जो इससे जो बिल्कुल हमारे पास कहने के जुड़वा एयर प्रेशर था वो हाई प्रेशर बेल्ट था, क्योंकि सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट था, तो वहां पे क्योंकि प्रेशर हाई था जो कि हमने देखा था कि 25 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ दोनों पे मौजूद है, तो वो जो हमारे पास हाई प्रेशर बेल्ट था वहां से फिर जो विंड्स है वो मूव करना शुरू कर देती है सब पोलर हाई लो प्रेशर की तरफ, बिकॉज वहां पे हाई प्रेशर था तो वो लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इस तरह से इनकी जो विंड्स की डायरेक्शन है वो फिर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हो जाती है। ये रहा जी इसमें तीसरे नंबर पे इक्वेटर से आप स्टार्ट करेंगे 1, 2 एंड 3, ये वाले जो तीसरी लाइन है जहां पे आपको एल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला जो रीजन है हमारे पास लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, तो यहाँ पे जो हम दूसरी इसका जो दूसरा पॉइंट डिस्कस हम कर रहे थे कि 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से जो विंड्स हैं वो इस हल्के की तरफ मूव करते हैं, ये वाला जो रीजन था ये 35 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे 35 डिग्री साउथ है, तो इन दोनों रीजन से विंड्स मूव करेंगी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। तो हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आता है उससे विंड्स दो साइड्स पे मूव कर रही है, एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेंगी और दूसरी जो है वो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेंगी, इस तरह से फिर इन विंड्स का जो आपस में प्रेशर बैलेंस है वो हो जाता है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों साइड्स पे आएंगे आपके सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो साउथ में भी है और नॉर्थ में भी है इक्वेटर से, आप इनको विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर देख रहे हैं, इसी तरह जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो नॉर्दर्न साइड पे भी आएंगे और फिर यहाँ पे सदर्न साइड पे भी आते हैं। उसके बाद जी हमारे पास जो लास्ट जोन आता है जिसको हम कहते हैं जी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं इसको हम। अब पोल्स जो है जो पोलर रीजन है हमारे पास जो कुतबी इलाके हैं, अब कुतबी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे सारा साल जो है वो बर्फ जमी रहती है, मुंजमद रहता है पानी, तो उसकी वजह से वहां पे हमारे पास हाई प्रेशर बेल्ट हो जाते हैं। हमने देखा था कि जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा होगा, अब चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, यहाँ पे जो सारा साल जो है वो बर्फ जमी रहती है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, और इनकी जो ये जो जोन बनते हैं हमारे पास हाई प्रेशर बेल्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो फैले हुए होते हैं, और फिर इनकी जो कंट्रैक्शन या स्प्रेडिंग का फिनोमेना होता है कि ये किस तरह ये मुसलसल यानी एक ही तरह सेम नहीं रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, ये चेंज होते रहते हैं, अपनी इनकी जो कंडीशन है उसको वो चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेदर यानी मौसम के हालात, जिस तरह का मौसम होगा उसके लिहाज से हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो इनकी विड्थ जो है वो चौड़ाई इनकी ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू सीजन, यानी लेट्स से हम कहते हैं कि जो समर सीजन है, समर सीजन में सम हो वहां पे टेम्परेचर की कुछ जो है वो राइज अप होता है टेम्परेचर में, थोड़ा बहुत जब टेम्परेचर राइज होगा तो उसके लिहाज से प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज करेगा, तो उसका जो जोन आएगा जो फैलने का उसका यानी जो उसकी विड्थ है चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, फिर दोबारा जब विंटर सीजन आएगा तो विंटर सीजन में उसका जो दबाव है वो कम हो जाएगा, इसलिए एयर प्रेशर जो है बेल्ट जो वो दोबारा से जो वो उसकी चौड़ाई बड़ी हो जाएगी। इसको हम ग्लोब पे चेक कर लेते हैं जी, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जो बिल्कुल एंडिंग पॉइंट है
जो कि साउथ पोल का, जिसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं या साउथ पोल कहते हैं, यहाँ पे एच लिखा हुआ है। एच जो है वो डिनोट कर रहा है हाई प्रेशर बेल्ट को। तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा यहाँ पे। इसके बाद नॉर्दर्न पोल जो है जिसको आर्कटिक सर्कल कहते हैं, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और हाई प्रेशर बेल्ट जो है हमने पहले भी देखा है कि जहाँ पे एयर प्रेशर हाई होता है वो मूव करेगा लो प्रेशर की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे जो विंड्स की डायरेक्शन है वो, जो नॉर्दर्न पोल है इसमें जो विंड्स की डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ होगी, यानी जनूब की तरफ मूव करेंगी ये वाली विंड्स। इसी तरह जो जनूबी पोल है हमारे पास, जनूबी कुतुब है, सदर्न पोल है, यहाँ से वो शुमाल की तरफ मूव करेंगी, लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव कर रही है। और ये क्योंकि यहाँ से शुमाल की तरफ है तो इसलिए हम कहेंगे कि जो सदर्न पोल है यानी जो जनूबी कुतबी इलाका है वहां से जो हवाएं हैं वो शुमाल की तरफ मूव करती है अपने प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। इस तरह से हमारे पास जो विंड्स का प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं वो इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। यानी हमारे पास चार किस्म के प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, लो, हाई, लो एंड हाई। और फिर जो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं वहां से विंड मूव करती है लो प्रेशर की तरफ। तो इस तरह से इनका जो साइकिल है आपस में ये चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर। जी किसी का कोई क्वेश्चन प्रेशर बेल्ट को लेके? कुरा इस बार हवा के दबाव के हल्कों में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, समझ नहीं आई तो बात तो बताए वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब सबको समझ आ गई है। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी, उसके बाद जो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है प्लेनेटरी विंड्स, या फिर सियारवी हवाएं इनको कहते हैं। अब प्लेनेटरी विंड्स क्या होती है कि ये एक अर्थ के ऊपर सिस्टम ऑफ विंड है जो कि इनकी जो डायरेक्शन है इनकी जो वो सारा साल सेम रहती है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में एक ही सिमत में चलती रहती है सारा साल। इसलिए हम इनको मुस्तकिल हवाएं प्लेनेटरी विंड्स या फिर सियारवी हवाएं कहते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो सारा साल चेंज नहीं होती है, इसलिए हम इनको प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। प्लेनेटरी विंड्स हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है जी ईस्टरलीज, या इनको हम ट्रेड विंड्स भी कहते हैं, यानी मशरकी हवाएं भी कहा जाता है इनको, तजारती हवाएं भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो टाइप है वेस्टर्लीज या फिर एंटी ट्रेड विंड्स, यानी मगरबी हवाएं। और एंड पे आती है जी पोलर विंड्स या फिर कुतबी हवाएं। अब सबसे पहले हमारे पास आती है जी ईस्टरलीज या ट्रेड विंड्स। अब ईस्टरलीज या ट्रेड विंड्स या फिर तजारती हवाएं, ये ऐसी हवाएं होती हैं जिनकी जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, यानी ये ईस्ट से मशरकी इलाके से मगरबी की तरफ मूव करती है ये। और इनकी जो लोकेशन है ग्लोब पे वो इक्वेटर के दोनों साइडों पे होती है। इक्वेटर से ये 0 डिग्री से 20 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में इस डायरेक्शन में मूव करती है। ये हमारे पास इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट था, और ये वाली जो विंड्स है इस जोन में, ये जो वाइट सा हाफ वाइट सा जोन बना हुआ है, इस जोन में जो ये विंड्स मूव करती है इस साइड पे वेस्ट की तरफ, इनको हम ईस्टरलीज कहते हैं या फिर मशरकी हवाएं कहते हैं, क्योंकि ये मशरक से मगरब की तरफ मूव कर रही होती हैं। अब इनकी जो डायरेक्शन होती है यानी चलने की, बिल्कुल ये एग्जैक्ट जो है वो मगरब की तरफ नहीं चलती है, बल्कि इनमें डिफ्लेक्शन आती रहती है। यानी इनकी जो डायरेक्शन है वो अगर हम जनूब शुमाली निस्कुरे में देखें तो ये राइट साइड पे मूव करती है, और अगर इसको हम शुमाली जनूबी निस्कुरे में राइट साइड पे मूव करती है, शुमाली में लेफ्ट साइड की तरफ। और ये जो इनकी मूवमेंट होती है, इनकी जो डिफ्लेक्शन होती है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है, यानी जमीन की जो महवरी गर्दश होती है उसकी वजह से हो रही होती है। तो ये जो रोटेशन होती है इसको हम, ये जो इनकी डिफ्लेक्शन आती है इसको हम फेरल लॉ कहते हैं, क्योंकि ये एक फेरल साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले ये इसको डिस्क्राइब
देखा था, डिस्क्राइब किया था कि इनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है बल्कि डिफ्लेक्ट होती है, तो इसलिए हम इसको फेरल लॉ कहते हैं। और फिर इसके अलावा ये हमने देखा था कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं यानी मशरकी हवाएं जो हैं वो इक्वेटोरियल करंट्स जो थी यानी इस्तवाई जो बहरी रूमे हैं उनके पैदा होने की बड़ी मेन वजह होती है। इसके अलावा ये फिर जिन कॉन्टिनेंट्स से यानी जिन बरियाजमों से टकराएंगी उनके जो उनके जो फ्रंट वाले रीजन्स होते हैं जहां से जाके खुश्की के खतों से बरियाजमों से टकराती हैं वहां पे फिर ये बारिश बरसने का सबब बनती है। ये कुछ खसूसियात होती है। उसके बाद दूसरी जो आती है हमारे पास, दूसरी आती है जी वेस्टर्लीज या फिर एंटी ट्रेड विंड्स। ये ऐसी विंड्स होती है जो एंटी ट्रेड इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रेड विंड्स की मुहालफ सिमत में चलती है, और वेस्टर्लीज यानी ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेगी। इसके बाद हमारे पास ट्रेड विंड के बाद आएगा जी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और उसके बाद ये वाला जो हल्का है यहाँ पे वेस्टर्लीज लिखा हुआ है दोनों साइड पे नॉर्थ पे और साउथ पे। अब यहाँ पे इनकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट टू ईस्ट होती है, और ये इनकी जो अगर आप लोकेशन की बात करें तो ये 35 से 60 डिग्री शमाल और 35 से 60 डिग्री जनूब, यानी आप यूं कह लें कि इक्वेटर से आप मूव करेंगे 35 दर्जे जनूब की तरफ और 35 दर्जे शमाल की तरफ, तो उसके बाद जो विंड स्टार्ट होगी वो आपके पास वेस्टर्लीज होंगी या मगरबी होएंगी, और इनकी जो हद है वो 35 से 60 दर्जे शमाल और 60 दर्जे जनूब इस रीजन के दरमियान में ये चलती है। और ये जो है कोल्ड करंट्स यानी हमने जो सर्द बहरी रूमें पड़ी थी उनके पैदा होने का एक सबब बनती है। और फिर ज्यादातर इनको ये हमें पोलर रीजन्स में ज्यादा मिलेंगी, कोल्डर क्लाइमेट में मिलती है। एंटी ट्रेड विंड जिनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी मुहालफ सिमत में है, ट्रेड विंड उनको इस वजह से भी कहते हैं कि हमने देखा था कि विंड्स की वजह से हमने शिपिंग इफेक्ट देखा था एक ओशियनिक करंट्स का, कि जिस सिमत में हवाएं मूव करती हैं उसी सिमत में हम कुछ जो हमारे पास बहरी बेड़ा होता है बहरी जहाज है उसी सिमत में मूव करता है, तो उसे हमें जो वो ट्रेड में तजारत में जो वो कम जो है वो कॉस्ट आती है, लागत कम लगती है। लेकिन ये वेस्टर्लीज जो होती है उसकी मुहालफ सिमत में मूव कर रही होती है तो इसलिए यहाँ पे कम ट्रेवलिंग होती है, इसलिए इनको एंटी ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। ये भी जिन इलाकों से टकराएंगी यानी जो बरे आजम इनके ये ज्यादातर आएंगी जी यूरोप का जो बरे आजम है यूरोपियन कंट्रीज से ज्यादा टकराती है, फिर नॉर्थ अमेरिका का जो अपर पार्ट है जिसमें कनाडा का इलाका आ जाएगा, एशिया का अपर पार्ट जिसमें रशिया आ जाता है, उसके बाद ग्रीनलैंड, इन रीजन्स में जाके टकराती हैं और वहां पे जो है वो बारिश का बायस बनती है। देन उसके बाद लास्ट में है जी पोलर विंड्स या फिर कुतबी हवाएं। यहाँ से जो सबसे लास्ट आएगा जी ये वाली पोलर ईस्टरलीज, और एक नॉर्थ पोलर ईस्टरलीज होंगी और दूसरी जो है वो वेस्ट पोलर ईस्टरलीज होंगी। अब दोबारा से ये वाली जो हवाएं हैं यानी जो पोल से चलती हैं इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, लेकिन इनको जो परमानेंटली हम पोलर विंड्स कहते हैं या कुतबी हवाएं कहते हैं, डायरेक्शन इनकी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। और ये वैसे इन इलाकों में बहुत कम जो बारिशें बल्कि होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही टेम्परेचर ही इतना कम रहता है कि पानी बर्फ जो है वो सारा साल जमी रहती है, पानी जो है मुंजमद रहता है पोलर रीजन्स में। इनकी जो अगर हम लोकेशन की बात कर लें तो ये 60 डिग्री से अबाव शुरू हो जाती है, यानी आप यूँ कह लें कि 80 डिग्री से 75 से या 70 से इनकी, क्योंकि स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं होती है इनकी, हमने सिर्फ या वो इमेजिनरी ड्रा की हुई है कि यहाँ तक मैक्सिमम ईस्टर्लीज या वेस्टर्लीज या वो ब्लो कर सकती है, इनकी कोई एग्जैक्ट हम कह लें कि ये हद है इससे ऊपर जा नहीं सकती, ऐसा नहीं होता, विंड जो है वो आगे पीछे मूव करती रहती है। तो इसी लिहाज से जो पोलर विंड्स होती हैं इनकी जो डायरेक्शन है जो इनका जो रीजन है लोकेशन कह लें या जोन कह लें इसको, ये जो जोन है वो 60 डिग्री से अबव ही शुरू हो जाता है और 90 तक चलता है, और कुछ रीजन में ये 70 से 90 तक है, कुछ में 80 से 90 तक है, तो ये वेरी करता रहता है।
डायरेक्शन और इनकी जो मूवमेंट है वो फिर खत्ते इस्तवा यानी इक्वेटर की तरफ होती है। यहाँ पे एरो आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि अगर जो नॉर्थ में है वो नॉर्थ पोल में जो विंड्स होती हैं वो साउथ की तरफ मूव करेंगी यानी इक्वेटर की तरफ, इसी तरह जो साउथ पोल में है वो नॉर्थ की तरफ मूव करेंगी यानी इक्वेटर की तरफ मूव करती है। प्लेनेटरी विंड्स में किसी का कोई क्वेश्चन है? हम इफेक्ट्स की बात करें जी, हवा के दबाव की तकसीम के क्या असरात होते हैं, इसे डिफरेंट रीजन्स बनते हैं। जैसे सबसे पहला रीजन ऑफ डोल्ड्रम्स है, यानी इक्वेटर में जब हमने देखा था कि विंड्स जो है यानी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, फिर वो सर्द हवा से मिलती हैं तो दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाती हैं, तो जब गर्म हवाएं ऊपर उठ रही होती हैं तो वो नमी को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो फिर जब वो कोल्ड रीजन में आती हैं तो वहां पे वो बारिश का सबब बनती हैं। यानी जो इस्तवाई इलाके होते हैं वहां पे जो बारिश का सबब बनती है वो हवाएं बन रही होती हैं, गर्म हवाएं। इसी तरह दूसरा हार्श लैटिट्यूड आ जाता है हमारे पास, इसमें हार्श लैटिट्यूड हम कह रहे थे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट था वहां पे, इस रीजन को हम जो वो हार्श लैटिट्यूड कहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो हवाएं होती हैं ये जो हमारे पास कोल्डर रीजन आते हैं, कोल्डर रीजन जैसा मतलब पोलर रीजन जो हैं वहां से नीचे की तरफ मूव करती हैं, और ऐसी हवाएं जो कोल्डर रीजन से आ रही होती हैं यानी जो सर्द इलाके से हवाएं चलती हैं वो खुश्क हवाएं होती हैं, तो उस इलाके में फिर जब वो बारिशें कम होती हैं तो उन रीजन में फिर आपको डेजर्ट भी ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे कोल्ड, ये हमने करंट्स वाले में टॉपिक में भी देखा था कि जहाँ पे जिन इलाकों के पास से कोल्ड करंट्स गुजरती हैं यानी सर्द हवाएं गुजरती हैं वहां पे सहरा ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होती है। फिर इसकी वजह से जी दो हमारे पास हेमिस्फेयर बन जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आता है उसमें दो तीन रीजन बताए गए हैं, जैसे सदर्न कैलिफोर्निया है, सहारा डेजर्ट जिसे सहराए आजम भी कहते हैं, अरब और राजपूताना कॉन्टिनेंट्स यानी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ जाते हैं। फिर जो दूसरा हमारे पास आता है जी सदर्न हेमिस्फेयर में, पेरू कंट्री, चिली, कलहारी और मगरबी ऑस्ट्रेलिया, इन पे कुछ जागो इफेक्ट्स होते हैं इनके। हाँ आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले जी। ठीक है जी, क्लास, अल्लाह हाफिज़।